Unacademy. Let's crack it. Hello friends, I am Dr. Rajesh Kumar Mohan and I have secured All India Rank 102 in UPSC Civil Services Examination. In this video, I would be telling how to choose your optional. Because optional is a make and break thing. अगर ऑप्शनल में आपके 320 के आसपास मार्क्स आए और जनरल स्टडीज़ ठीक है तो आप टॉप रैंकर्स में होंगे. आपके एवरेज 270 प्लस आए तो आप गुड रैंक मिल जाएगा, आपको अच्छा रैंक मिल जाएगा. आपको 250 आए तो यू वुड बी इन द लिस्ट एट लीस्ट. सो इफ यू गेट 250 तो ऑप्शनल आपको रोकेगा नहीं. अगर आपके 250 से नीचे आ रहे हैं तो आप लिस्ट, फाइनल लिस्ट में भी नहीं आ पाएंगे और साथ साथ में आपकी इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ पाएगी. तो ऑप्शनल को चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ऑप्शनल को जो चूज़ करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज मार्क्स, सेकंड इज इंटरेस्ट. सम पीपल से चूज़ ऑप्शनल जिसके अंदर आप पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आए, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये एक बहुत ही गलत ओपिनियन है. बिकॉज दिस इज़ ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपको रैंक इंश्योर करनी है. इस प्रोसेस को कम्प्लीट, जितनी जल्दी इस प्रोसेस से बाहर निकला जाए और आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकें उतना जल्दी करें. तो आप वाई आई एम सेइंग कि इंटरेस्ट को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए. इंटरेस्ट को प्रायोरिटी इसलिए नहीं देनी चाहिए बिकॉज जस्ट फॉर द प्रोसेस यू हैव टू रीड दैट सिलेबस. आपको PhD नहीं करनी है इस एग्ज़ाम के अंदर. यू हैव टू जस्ट नो ब्रॉड आइडियाज़. सो टेक अपार्ट द इंटरेस्ट. नाउ फोकस ऑन मार्क्स, विच ऑप्शनल विल गिव यू मोर मार्क्स. अब मार्क्स किस किस चीज़ पे डिसाइड होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए यूनिक सर्कमस्टांसिस हैं. पहली चीज सिलेबस. अगर कोई ऑप्शनल है जिसका छोटा सिलेबस है और ज़्यादा रिवाइज होगा तो आप ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और उसके कारण आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. तो एक ये चीज़ देख सकते हैं कि मार्क्स को उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे जिसका सिलेबस की लेंथ थोड़ी सी कम है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि मार्क्स कैसे आएंगे, कि कोई गाइडेंस है. इफ़ देर इज़ गाइडेंस, टेक दैट इनटू कंसीडरेशन, तो आप उस ऑप्शनल को ले पाएंगे, उसे गाइडेंस के थ्रू आप ले पाएंगे. थर्ड तरीका क्या है, कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, इवन दो उनका सिलेबस ज़्यादा है बट उनके अंदर मार्क्स बहुत ही एक्सट्रीमली हाई भी आ सकते हैं. सो अगर आपका वो बैकग्राउंड है यू कैन टेक दोज टेक्निकल सब्जेक्ट्स. उससे आपको एक बहुत ही पॉजिटिव पुश मिलेगा और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. फाइनली हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल होती है, इस तरह की चीज़ को वो अच्छे से लिख पाता है. तो इफ़ यू नो दैट यू हैव अ सर्टेन स्किल, यू कैन राइट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल इन ए बेटर वे, सो यू शुड चूज़ दैट ऑप्शनल. सो इन सब का फाइनल एनालिसिस के बाद मेरे हिसाब से जिस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आते हैं उस ऑप्शनल को आप चूज़ करें.